नाउ गाइस, हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ तक कवर किया था एगन वेक्टर्स अलग कैसे किया था। ये लैम्डा वन इज इक्वल टू 13 के लिए होता है और ये लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक एगन वेक्टर्स बनाते हैं। मतलब एक्स वन क्या था, एक्स टू क्या था, ये तो हमें पता चला। एक्स वन हमारा क्या था, -0.83। एक्स टू क्या था, 0.55। ओके, नाउ ये किसके लिए है, लैम्डा वन इज इक्वल टू 13। ये लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए क्या मिला था मेरे को, एक्स वन मिला था 0.55 और एक्स टू मिला था मेरे को 0.83। नाउ यहाँ तक तो मिल गया। ओके, तुम अच्छे से प्रीवियस वीडियोज देख लेना, उसके बाद ये वीडियोज कंटिन्यू करना। नाउ स्टेप फोर इज योर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। अरे ये ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स ही होता है। अरे कुछ नहीं यार, ये ऊपर आइगन मैट्रिक्स मिला है ना, उसी का ट्रांसपोज करना, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, एक्स रेज टू ट्रांसपोज। ओके, इसका ट्रांसपोज करना था क्या, अच्छा रो का कॉलम -0.83, 0.55, 0.55, 0.83, रो का कॉलम, कॉलम का रो, खत्म। यहाँ तक क्या मेरे को मेरा ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। नाउ नाउ अभी लास्ट स्टेप्स यार, स्टेप फाइव ट्रांसफॉर्मिंग इमेज। इमेज क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू F0 F1। यहाँ पर क्या लिखा, इफ फोर कॉलम, याद होगा तुमको, यहाँ पर मैंने 2x2 कॉलम है, इसलिए n का वैल्यू क्या मिला मेरे को, 2। अब अगर n का वैल्यू 4 रहता, मतलब 1 2 3 4 कॉलम रहता, तो मेरे को F0 F1 F2 F3 निकालना पड़ता। फिलहाल मैं F0 के पीछे जा रहा हूँ। F0 क्या मेरा T, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, UC0 -M। UC0 -M का वैल्यूज मेरे को प्रीवियस वीडियोस में मिला था 3 -2। क्या इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते यार, कैसा करना रहता है, ऐसा और ऐसा। अच्छा, -0.83 × 3 +0.55 × -2, मेरे को क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली 0.55 × 3 +0.83 × -2, ये मिलेगा मेरा। ये क्या मिला, F0। अच्छा, F1 का भी निकालना है, क्यों ऐसा निकालना है भाई, 2 है ना कॉलम, तो F0 F1, अगर 4 होता तो F0 F1 F2 F3। अभी चलो F1 क्या मिला मेरे को, ये सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या जाएगा U1। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स U1 -M, मेरे को प्रीवियस वीडियो में मिला था -3 और 2। इतना क्लियर हुआ। ओके, यहाँ पर अभी इसको सॉल्व किया तो ये मिला। अच्छा, मैंने ये इक्वलाइज किया यार, क्यों ऐसा किया अभी मैं तुम लोग को बता देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है इक्वलाइज करना, यहाँ पर भी तुम लोग स्किप कर सकते हैं अभी, क्योंकि तुम लोग को सबसे ज़्यादा भरोसा तो इजी सॉल्यूशन पर है, तो उसने इसको क्वांटाइज फॉर्म में 0 लिखा है, तो मैंने ऐसा लिखा है कि इजी सॉल्यूशन का आंसर ये है, चलेगा, ये लिखो, ये वाला भी सही है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, F=F1 और F2। F1 क्या मेरे को मिला, -3.590, ये लिखा। F2 क्या मिला, 3.590, ये मेरे को यहाँ तक मिला 10 मार्क्स का सम्स, क्लियर है ना। अगर थियोरी की बात करूँ तो थियोरी के लिए मैंने एक नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो वेबसाइट से निकला है मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए, शॉर्ट नोट ऑन KL ट्रांसफॉर्म, 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है। ये तुम लोग को दिख रहा है, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ओके, अभी तुम बोल रहे हो कि लिखा क्या है, कुछ और नहीं लिखा, जो स्टेप्स वहाँ पर फॉलो किया ना वही है। फॉर एग्जांपल कंसीडर एन इमेज, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने एन कॉलम लिया यार, तो और क्या होएगा, फिर फाइंड द मीन वेक्टर। मीन मतलब क्या होता है, एम ना, कोवेरियंस मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला भी दिखा है, देखो यहाँ पर और मीन क्या है, मीन को दूसरा बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, ये दिखा है इधर। ओके, फाइंड द आइगन वैल्यूज देन आइगन वेक्टर्स ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स, यही करते थे कि आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज निकाला, यहाँ से आइगन वेक्टर्स निकाला। ओके, और क्या, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर आशीष यार कुछ ऐसा चीज़ बता जिससे मैं बता सकूँ कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग। हाँ, ये देखो आंसर हमेशा एक्स एक्स ट्रांसपोज का आंसर आना चाहिए आई, आई मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स। अभी क्या होता है 1001। ओके, मतलब इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है आई। अरे आशीष ऐसा कैसा, हाँ देख, कभी कभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से ऐसा आता है 0.99। अरे अप्रॉक्सीमेटली यही 1 होता है, हाँ क्या, ये चीज़ याद रखना। मतलब तुम लोग को वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इससे तुम लोग क्या करोगे कि आंसर वेरीफाइड हो गया, डन। गाइज, एक रिक्वेस्ट है कि ये अपने कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिसको भी चाहिए। अलग अलग चैनल्स हैं KL ट्रांसफॉर्म में, पर वहाँ पर इतना क्लियरली नहीं बताया गया है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझा हो, और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में भी आए तो तुम अच्छे से सॉल्व कर सको। प्लीज़ शेयर इन योर कॉलेज ग्रुप्स।